बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल और करम के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ। आज मैं बीफ बना रही हूँ। इसी मैंने 1 kg बीफ लिया, इसको मैंने बॉयल कर लिया। लहसुन अदरक और नमक ज़ीरा डाल के इसको मैंने बॉयल कर लिया। 2 अदद मैंने टमाटर लिए, 1 अदद प्याज लिए, दही लिया मैंने, हरी मिर्च लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट लिए, गरम मसाला, दालचीनी, लौंग, कौरमा मसाला ये मैंने खुद बनाया हुआ है, लाल मिर्च, कुछ धनिया, हल्दी। आप स्पाइसी जितने खाना चाहते हैं उतनी डालें। मैं कम ही हम इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए मैं कम डालती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया, ऑयल के अंदर मैं ये दालचीनी और लौंग डाल लूँ। ये तब तक कड़क जाए तो फिर इनके अंदर प्याज ऐड करेंगे। ये अभी हो गए हैं तो मैं प्याज ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अभी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करती हूँ। ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, लहसुन ब्राउन हो गया। इसको ज़्यादा जलाना नहीं चाहिए, जल जाए तो फिर इसका फ़ायदा के डालने का क्या फ़ायदा है। अभी मैं इसमें टमाटर और मसाले रखती हूँ, बस हल्की सी खुशबू आ जाए तो फिर टमाटर ऐड करती हूँ। थोड़ा सा पानी डालती हूँ, अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए टमाटर, फिर मिलती हूँ आप। टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं तो भी मैं अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। 2 मिनट इसको मैं भूनती हूँ, 2 मिनट भूनने के बाद फिर मिलती हूँ आपको। फिर मैं इसमें थोड़ा सा वही पानी जो यखनी वाला निकाला हुआ है वही डालूँगी। दही हल्का सा फेंट के दही डालने लगी, गर्मी होगी होगी मेरे पास तो इतनी बारिश लगी होगी फिर भी गर्मी लगती है। आप लोगों के पास मौसम कैसे है बताना जरूर। मेरे पास तो सारा दिन हो गया बारिश लगी हुई है, थोड़ी भी बारिश होती है। 2-3 मिनट इसको भूनने के लिए आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसको 2-3 मिनट भून लिया तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा वही पानी जिसमें गोश्त उबाल किया था जो यखनी निकाली हुई वो ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने पानी जो यखनी ऐड कर लिए तो मैं भी इसमें हरी मिर्च 2-3 डाल रही हूँ। अच्छा, नमक मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि नमक मैंने गोश्त उबाल करते वक्त डाल लिया था। अगर आप उस वक्त कम डालें तो फिर आप डाल सकते हैं। तो इसको मैं 2-3 मिनट के लिए ऊपर से डाल देती हूँ, तो मिलते हैं 2-3 मिनट के बाद। 3 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूँगी खुशबू के लिए, कुछ धनिया डालूँगी
तीन मिनट इसको अभी हल्की आंच पे दम देंगे, फिर दिशा पर क्या आपको बता दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखें। बस मैं और इसका पानी नहीं खुशक करूँगी, मुझे इसी तरह से चाहिए। अगर आप इसको बिल्कुल खुशक करना चाहते हैं तो थोड़ा और भून लें। तो कुछ लोग बोलेंगे कि आपके जो ये इसके ऊपर जो है तरी नहीं होती बिल्कुल, हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं और हम ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ऐसे ही होता है। ये वैसे भी फ़ायदे की चीज़ तो नहीं है, कम इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसलिए हम तो सिर्फ बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर देसी रोटी शॉप करके फिर आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा सालन जो है बन के रेडी हो चुके हैं, इसकी फाइनल लुक है। तो हरी धनिया नहीं है मेरे पास, क्योंकि इधर मुसलसल ही बारिशें हो रही हैं तो मिलती ही नहीं है, मिलती भी तो वो भी ख़राब होती है, किसी काम की नहीं होती, तो इसलिए मंगाई नहीं। तो अदरक डाली, अगर इस तरह बनाओगे बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इससे मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को लाजमी याद रखिएगा। वीडियो पूरी देखा करें प्लीज़, मेरी शॉर्ट सी वीडियो होती है, मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाती, इसीलिए लंबी नहीं बनाती कि किसी को देखने में मुश्किल ना हो, तो मैं शॉर्ट वीडियो होती है मेरी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।